चेक करें ये ट्राउज़र, ना मज़ा आए तो पैसे वापस। इसका फ्लेयर देखें आप, इसका कट देखें, और बीच में जो पिनटेक्स आ रही हैं, ये बड़ा न्यू डिज़ाइन है ये वाला ना। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और मेरे पास ना एक ये सूट है जो कि मैंने ये सेल से नहीं लिया, ये मैंने फुल पेमेंट पे लिया था। ये है इसका बिल, बिल भी इसके साथ ही मैंने रखा हुआ है। ये देखिए जी, ये सूट लिया है 5,990 का। ये सूट है, ये इसकी कैटलॉग है। ये देखिए इस तरह से स्टिच हुआ है, बहुत प्यारा इसका कलर है। तो 3 मीटर ये शर्ट का कपड़ा है, प्रिंटेड ब्लेंडेड शिफॉन दुपट्टा है, और डाइट कैम्ब्रिक ट्राउज़र है। एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन है, एम्ब्रॉयडर्ड हेम एंड स्लीव्स का जो बॉर्डर है वो दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा जी, खोल लेते हैं इसको। ये है, ये देखें, ये रहे इसके बॉर्डर्स। अच्छा, ये मेरे स्टिकर लगा हुआ है, ये मेरे स्टिकर लगा हुआ है। बच्चे ऐसे ही ना लगा रहे थे मेरे के। तो ये देखें, ये इसकी शर्ट है, और ये इसके साथ ट्राउज़र है। ये कैम्ब्रिक का मैंने इसलिए ले लिया था, ज़रा सर्दियाँ आ रही हैं इस वजह से। आप लोग सोच रहे होंगे सर्दियों के लिए क्या ये कैम्ब्रिक लिया है, मोटा लेती तो कराची में तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं, ज़्यादा वहाँ ठंड नहीं पड़ती। अच्छा, देख लें आप सूट, ये देखें ऑल ओवर का प्रिंट है ये, इसके साथ ये बॉर्डर है, और ये इसके साथ दुपट्टा है। स्टफ़ बहुत प्यारा है, ये देखें ये वाला स्टफ़ है, बहुत अच्छा सा शिफॉन है ये। और ये इसका कैमरे का ट्राउज़र है, और ये इसके साथ रील है, मैं ले आई थी। और इसके साथ ना वो है, इसके साथ नेक लाइन है, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इसका बॉर्डर अलग कर लेती हूँ। बॉर्डर अलग कर कर ही मैं इसको ना अटैच करके देती हूँ, ये इसका गला। अब ये जो है ये मैं एप्लिक के लिए दूंगी, फ्रंट पे लगा के ये मैं पूरा एप्लिक के लिए देकर आती हूँ। ये देखें, ये एप्लिक होकर आ गया था। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल मिड में नहीं लगवाया, ये होता है इसका मिड, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड पे करके लगवाया, वो इसलिए कि यहाँ से कपड़े की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, और जितना आपको दामन चाहिए ना उस हिसाब से आपने रख के देना है, ताकि वो लोग वहीं पे ही अप्लाई करें। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको ना इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बता देती हूँ इस ट्राउज़र की। अच्छा, ये मुझे ना थोड़ा सा बेल बॉटम में सीना है, हल्का सा शेप देना है इसको। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले ये है कि कपड़ा मैंने ना आयरन कर लिया था, आप लोगों ने जिस तरह करना है। इसका बर भी ठीक था और इसकी लंबाई भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी, तो इसी तरह ही ना मैंने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया था, जिस तरह ट्राउज़र का कपड़ा हम लोग बिछा के इसको फोल्ड करते हैं। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, कान थी, ज़रा सी उसको मैं निकाल दूंगी। और नीचे से आपने ना सबसे पहले, कटिंग से पहले 3 इंच की फोल्डिंग आपने दे लेनी, उसके बाद आपने लेंथ पे निशान लगाना है ऊपर से 40 इंच। ये 40 इंच है, ठीक है, 40 इंच मुझे तैयार रखना है ट्राउज़र। और 2 इंच ये एक्स्ट्रा ऊपर से नेफे के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, मतलब ये हो गया टोटल 42 हो गया, राइट। अब आपने 42, ठीक है, यहाँ से आप देखें, यहाँ से आपने 2 इंच का रखना है, 2 इंच पे निशान लगाना है, और इसकी ये 15 इंच तक आपने 2 इंच पे ही निशान लगाना है। हल्का सा 15 इंच पे कर्व दे के इसको पैंचे की नोक तक आपने ले जाना है, ए लाइन शेप में। ये देखें, अब मैं ऐसे कटिंग दे रही हूँ, ये पूरा आपने ऐसे ऊपर तक इसको कटिंग कर लेना है। और ये 2 लेयर्स मैंने लिए हैं फ्रंट साइड की, ऐसे ऊपर से कटिंग किया। अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। लेंथ जो है ये आसन है, यहाँ से 15 इंच मैं रखूँगी, ठीक है, 15 इंच मैंने रखा है, और यहाँ से 13 इंच थाइज आपने रखनी है, 13 इंच थाइज 13 होगी, तो 3 इंच कम करके आपने ऊपर से इसको रखना है 10 इंच। 10 इंच पे पूरा ऐसे लंबाई से निशान लगाना है, और नीचे की तरफ आपने ऐसे बॉक्स बनाना है, ये पूरा 10 इंच ही है। यहाँ आपने ऐसे बॉक्स बना के इसकी शेप देनी है, हल्की सी कर्व की,
ये फ्रंट साइड मैं सिर्फ अभी कटिंग करूँगी। इस तरह मैं इसकी कटिंग करूँगी और ये जो फ्रंट का पाइंचा है 17 इंच पे मैंने निशान लगाया, राइट। आपने इसको ऊपर से इस तरह 17 इंच पे मैच कर देना है नीचे से। टोटल ये 17 का तैयार रखना है मुझे। ये अभी सिर्फ मैं 17 इंच का फ्रंट का मैंने निशान लगाया पाइंचे का। अच्छा, थाइज़ आपने 13 ही रखनी है, मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है। अब इसको मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी। ये सिर्फ ओनली 2 लेयर्स में कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड है, ये देखें 1, 2, नीचे को नहीं छेड़ना आपने भी, ठीक है। अभी सिर्फ हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेयर बना था इस प्लाज़ो का। अच्छा, ये प्लाज़ो जो है ना, ये एक प्लाज़ो होता है कि अम्ब्रेला शेप में होता है, ये स्ट्रेट में ही मैंने कटिंग किया है, थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप दी है। बहुत ही प्यारी ना इसकी लुक आई थी। अच्छा, ये मैंने जो 2 लेयर्स कटिंग किए ना, इसको 2-2 इंच आपने उठा के आगे करना है। ये 2 इंच मैं देख रही हूँ कि 2 इंच है। अच्छा, 2 इंच यहाँ पे आपने गौर करना है, ठीक है। ये चीज़ चेक करें, यहाँ से आपने ना, ये देखें, इसकी सीध में ये इतना ही रहने देना है बैक साइड का, और यहाँ से आपने 2 इंच बढ़ा के ऐसे निशान लगाना है यहाँ पे ऐसे, और आपने यहाँ से आपने 1 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। कटिंग को आपने ऐसे ही फॉलो करना है और किसी स्केल की मदद से ऐसे सीधा ऊपर से आपने निशान लगाना है, और जब कटिंग करना है हल्का सा यहाँ पे ये यहाँ कर्व देना है, एकदम सीधी नोक नहीं बना देनी, और इसको इससे 1 इंच से आपने यहाँ ऐसे कर्व दे देना है। और कटिंग आपने यहाँ वाली सेम रखनी है, दरमियान की जो ही मैं आप कटिंग कर रही हूँ, जैसी फ्रंट की होगी वैसे ही आपने बैक की कटिंग कर लेनी है दरमियान से। अच्छा, इसको मैंने ना ऐसे फोल्ड करके रख दिया था, अगला दिन ये स्टार्ट हो जाता है अगले दिन। अच्छा, इसको मैं खोल लूँगी। ये इसी तरह ही ना आपने इसको ऐसे ही फोल्ड रहने देना है। सबसे पहले ये है कि मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी ये दरमियान की, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने इस तरह फोल्ड करके क्यों रखा हुआ था। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने ना इसको फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ से ऐसे स्टिच कर लिया था ये आसन को, ये देखें, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही फोल्ड करके इसको आयरन करूँगी। अच्छा, जहाँ जहाँ मैं आयरन कर रही हूँ ना, यहाँ मुझे पिनटेक्स लगाना है, किनारे की सिलाई जिसको कहते हैं। अच्छा, ये देखें, मैंने इसको ऐसे आयरन किया, दोनों तरफ ऐसे क्रीज़ बन गई थी इसकी। देखें, यहाँ पे मैं बिल्कुल किनारे की आपने सिलाई देनी है। इसको भी मैं इस तरह ऐसे क्रीज़ बना लूँगी सीधी साइड पर। अच्छा, आपने ना सेम, अच्छा वो हो गया था फ्रंट साइड और ये बैक साइड, आपने दोनों साइड पर लगानी है। अगर आप चाहें तो सिर्फ फ्रंट पर दे दें, लेकिन बैक पर भी अच्छा लग रहा था। ये देखें, दोनों तरफ ऐसे लगा ली, ठीक है। अब आपने ये बैक साइड होगी और ये आ गई जी फ्रंट साइड। अच्छा, आपने ये करना है कि प्लेट्स लगाएंगे आप, दोनों प्लेट्स का जो मुंह है ना, इस्त्री जब करेंगे आप, प्लेट्स को अंदर की तरफ रखनी है, प्लेट्स का मुंह ना आपने। तो साइड्स ज्वाइन कर लूँगी मैं। साइड्स ज्वाइन करने के बाद आपने एक चीज़ पर गौर करना है, ये देखें, हाफ इंच नीचे तक आपने यहाँ सिलाई लानी है, यहाँ तक, ठीक है। और इतना हमने कट देना है, 2.5 इंच का कट है। अगर आपने 3 इंच का कट देना होगा ना यहाँ से, तो ये फोल्डिंग का कपड़ा भी ज्यादा बढ़ा के आपने कटिंग करना है। तो अब इसको ना देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे सिलाई कर लिया था, ठीक है। अब इसको ऐसे खोलना है, ये कट है ऐसे, यहाँ तक आपने डबल स्टिच देना है, यहाँ पे इसको दे देना है, इसको ऐसे ही फोल्ड रखना है। फिर आपने इसको, ये कट नज़र आ रहा है जो मैंने पहले लगाया, इसको यहाँ तक ऐसे कट दे के आपने फिर पिछली साइड से आपने यहाँ से इसको ऐसे पक्का करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, ये पक्का आपने किया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने कट दिया हुआ है। यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ कट तक करके इसको च
चलें जी, जिस तरह मैंने आपको कपड़ा बोला है सेट करके आपने इसको इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह ही इसकी जो दूसरी साइड है आपने उसको भी आपने इसी तरह ही फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, दोनों साइड्स को ना आपने इस तरह ऐसे फोल्ड करके नोक का आपने ध्यान रखना है। ये देखें जो स्टार्टिंग है ना, पिछला कपड़ा ना आए अंदर, ठीक है, यहाँ आपने ऐसे पक्का कर लेना है। अब ये हो जाता है हमारा, ठीक है, ये हो गई थी दोनों साइड्स। अब मैं आपको ना ये दोनों साइड्स लगाने के बाद ना आपने दरमियान वाली सिलाई लगा लेनी है आसन की। ये जो पूरी मैं लगा रही हूँ दोनों साइड की आपने इस तरह तैयार कर लेनी है, दोनों पाइचे की इस तरह आपने ना कट तैयार कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मशीन के नीचे ना मैंने कुशन रखा हुआ है ताकि ना ये शीशे के ऊपर रखी हुई मैंने मशीन अपने साइड टेबल के, तो उसकी डर की वजह से कि हिले ना, क्रैक ना हो जाए शीशा, इसीलिए ना। अच्छा, ये देखें, ये हो गया था हमारा तैयार पाइचे, बस थोड़ा सा रह गया है, इसकी फोल्डिंग रह गई है। ये आपने नोक ऐसे करके इसको बाहर की तरफ निकालना है, या किसी कैंची की मदद से, क्लिपर की मदद से भी कर सकते हैं। ये मेरे नेल्स हैं तो काम आ रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, वरना मेरा क्लिपर बहुत काम आता होता है। अच्छा, इस तरह ना आपने ये देख लेना, इसको सेट करके अच्छे से, ठीक है, ये देखें दोनों साइड से आपने इसको सेट करके ये इसको भी आपने अंदर कर देना है जितना ये बड़ा हुआ होगा, ठीक है, और इसको ऊपर से आयरन कर देना। आयरन करने के बाद आप पिन अप कर लीजिएगा सेफ्टी पिन से या कॉमन पिन से। उसके बाद आपने इसको ऊपर रख के सिलाई कर देनी, सिलाई करनी है सिलाई कर दें, तुरपाई करनी तो तुरपाई कर दें। अच्छा, डिट्टू मैच की ना मेरे पास वो थी रील जिससे मैं काम कर रही थी, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सिलाई। चेक करें आप लोग, ये देखें, आहा मज़ा आया है ना। चलें आप लोग भी लें इस तरह के मज़े, अपना ट्राउज़र निकालें जल्दी जल्दी से, इस तरह का स्टिच करें, ना मज़ा आया ना आप फिर मुझे कहिएगा। और इसके ऊपर ये है कि मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मेरा ट्राउज़र के पाइचे हो गए थे तैयार। देखें, इसको मैंने ऐसे पूरा राउंड में ऐसे स्टिच कर लिया था, चेक करें। ठीक है, बस ये लास्ट स्टेप है। अच्छा, इसको भी ना आपने प्लेट्स को ऐसे खोल, बस इसका अब ये है कि मैं नेफा बना लूंगी। ओनली 2 इंचेस फोल्ड करना है और साइड पे मैं वो लूप्स लगा लूंगी हैंग करने के लिए, बस। लें जी, ये ट्राउज़र हो गया था रेडी। इस ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 40 लेंथ तैयार रखी है मैंने, और इसका जो पाइचा है वो 17 इंच का इसका पाइचा है। बहुत ही प्यारा फ्लेयर है इसका, और ऊपर से फिटिंग में है। और फ्रंट पे जो ना इस तरह की मैंने प्लेट डाली है, एक एक पिनटेक्स, सही आयरन नहीं हुआ हुआ, मतलब दिल से नहीं किया, किया तो है। अच्छा, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट साइड इसकी जो है, ये देखें, ये बैक साइड है थोड़ी सी ऊंची जो है, और ये फ्रंट साइड है इसकी, ठीक है। और ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। हाय हाय हाय, इसका घेरा आप लोग चेक करें, कितना प्यारा स्टिच हुआ हुआ है, और देखें ऊपर से फिटिंग में है। ये इसकी आसन है, बिल्कुल ये परफेक्ट है एकदम जो मैंने आपको साइज़ बताया है। ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है, तो कहीं ये लार्ज वाले ना स्टिच कर लें। लार्ज वालों का जो साइज़ है, लेंथ तो एक ही होती है, मतलब 40 लेंथ होती है, लेकिन ऊपर से ज़रा फिटिंग करने में होता है, तो आप लूज़ कर लीजिएगा लार्ज वाले। देखें, चेक करें आप लोग ये, इसका फ्लेयर देखें आप, इसका कट देखें, और बीच में जो पिनटेक्स आ रही है, ये बड़ा न्यू डिज़ाइन है ये वाला ना, ये देखें फ्लेयर आप लोग इसका चेक करें, क्या ही लेवल का है, मज़ा ही आ गया है। मुझे सीने में बहुत मज़ा आया है ये, और पहनने में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इसका ना शर्ट का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 3 से 4 दिन वेट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे जल्दी से लाइक शेयर कर दें, और जल्दी से आप लोग ना सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने नहीं किया, अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। और वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।